लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुरुवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा एकता शपथ एवं रन फॉर यूनिटी रैली निकाली गई। इस मौके पर विश्वविद्यालय सहित संबंधित महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने एकता की शपथ दिलवाई, साथ ही रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के केशव सिंह, प्रतिकुलपति हरिशरण सिंह सहित गोरखपुर के विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा, रन फॉर यूनिटी तथा के लिए सबसे शुभकामनाएं देते हैं। हम सभी एकता शपथ लेंगे और एक प्रोफेसर विजय कृष्ण सर दिलवाएंगे और इसमें हमारे इस विश्वविद्यालय इकाइयों समेत जो महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयां, हम आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस ग्रहण करेंगे। आप अपना धन्यवाद प्राप्त करेंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और मैं यह सफर अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं, जैसा कि आपको मालूम है कि वर्षों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ, तो उसके पहले की गुलामी के दौरान भी हम लोगों गुलामी के पहले भी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था हमारा पूरा देश, और आज़ादी के तुरंत बाद राज्यों द्वारा ये प्रयास किया जाने का कि उनकी अपनी सत्ता हर राज्य अपना अलग अलग रहें, एक झंडा एक वन कंस्टिट्यूशन वन नेशन के अंदर ना रहें, तो इसके लिए ये होम मिनिस्टर के रूप में ये दायित्व सरदार जी के ऊपर डाला गया। ये सारे जो प्रिंसिपल स्टेट थे उस समय उनको यूनाइट करके वन नेशन वन कंस्टिट्यूशन के अंतर्गत उनको एक झंडे के नीचे लाया जाए। उस प्रयास में उनके अथक परिश्रम से जम्मू एंड कश्मीर को तत्समय छोड़ करके सारे जो हमारे राज्य थे वह वन नेशन वन कंस्टिट्यूशन के अंतर्गत आए, और आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम अपने संविधान के अंदर इस देश का संचालन कर रहे हैं। यही मोटा ही भैया
रन फॉर यूनिटी के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करते हुए विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा यह रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के अतिरिक्त महाविद्यालयों से भी भारी संख्या में छात्र छात्राएं यहां उपलब्ध हैं और वह रन फॉर यूनिटी के अंदर उन्होंने अभी शपथ ग्रहण किया है और पूरे राष्ट्र को एकजुट बना के रखने की जिम्मेदारी अब युवा पीढ़ी पे है। वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमारा देश आज़ादी के बाद से लगातार उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और पूरे विश्व में आज एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित है और हम उसी भावना को जागृत करते हुए युवा पीढ़ी से आह्वान मैंने हमने किया कि यह देश को उत्कृष्ट राष्ट्र बनाने के लिए विश्व के प्रथम अग्रणी देशों में बनाए रखने के लिए संकल्प करें और राष्ट्र को एक महापावर सुपर पावर के रूप में इस्टेब्लिश करें।